आजा आजा। प्रभु यहोवा की शक्ति मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए आजादी का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार दूं। यकीन नहीं होता, सालों की मेहनत आखिर हमने कर दिखाया, हमारी अपनी दुकान। अरे हाँ, खास तेरे लिए लबनान से। वाह, क्या चीज है, सबसे उम्दा है यार। हो तो ऐसा, इधर से ऊपर, उधर से थोड़ा नीचे। क्या बात है, देखो ना। नहीं नहीं, थोड़ा दाईं तरफ। अब हाँ, एकदम सही। बस बस, यरूशलेम में हर किसी को बस यही लग रहा था सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। हर कोई अपने ही काम में मसरूफ था, आदमी रोजी रोटी कमाने में, औरतें घर बार संभालने में, बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में। पर इससे 30 साल पहले की बात है, यीशु ने कुछ ऐसी निशानियां बताई थी जो एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही थी। दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी और हम मसीही उन निशानियों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख रहे थे। तुम्हारा कर बाकी है, हम ये पैसे ले जाएंगे। ये मेरे पैसे हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। यरूशलेम एक पवित्र शहर है, ये हम अब्राहम के बेटों की जागीर है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यीशु की भविष्यवाणी के पूरे होने पर किस कदर हम मसीहियों के विश्वास को परखा जाएगा। ये दाविद का शहर है, हमारे पूर्वज अब्राहम का शहर है। उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था यीशु की भविष्यवाणी पर यकीन बनाए रखना हमारे लिए कितना मुश्किल साबित होगा। कि उसके उजड़ने का समय पास आ गया है। ज़िफ, ऐसे में यीशु ने क्या करने के लिए कहा था? जो शहर के अंदर हो, वे बाहर। सिर्फ मजबूत विश्वास ही हमें उस खूब अंधेरे से बाहर निकाल सकता था। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। सालों से चली आ रही तानाशाह रोमी हुकूमत के खिलाफ यहूदियों ने की बगावत। बदले में रोमी सरकार का करारा जवाब। सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। और ना ही कोई कदम उठाने का। भाइयों, इस मामले में आप लोगों की क्या राय है? जैसे ही हमें एहसास हुआ कि
कि कदम उठाने की घड़ी आ गई है, विश्वास की पहली परीक्षा भी हमारे सामने आ खड़ी हुई। भाइयों, वो उजाड़ने वाली घिनौनी चीज पवित्र जगह में खड़ी नजर आ रही है। प्राचीनों की वो बैठक मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ भागना शुरू करो। सभी भाइयों की यही राय है। भाई ऐदान की भी? हाँ, लेकिन हम जाएंगे कैसे? हमें तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलो फिर। यकीन नहीं होता ये सब हो रहा है। मैंने सब बंद कर दिया है। समझ नहीं आ रहा शबूल, हमने खून पसीना एक किया है, कहीं प्राचीनों से भूल। ज्यादा मत सोचो नहम, मेरी भी यही कोशिश है। तो क्या यूं ही चले जाएं? सब कुछ छोड़ कर? जानता हूं नहम, ये आसान नहीं है, पर इसी में हमारी भलाई है। अरे हाँ, तुम्हें याद है बचपन में हम नाजीर बनना चाहते थे? कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मेरे बाल जोड़ा दिए थे मुझसे ताकतवर बनने के लिए। मैं तो पहले से ही ताकतवर था। जानती हूं हमें जाना होगा, पर कैसे? शहर पूरा घिरा हुआ है। यहोवा भी इस बात को जानता है, वो संभालेगा। कैसे रह पाएंगे हम यरूशलेम से बाहर? सालों से हम यहीं रहते आए हैं, बरिया भी यहीं है, और आपका कारोबार। कैसे पूरी करूंगा हमारी जरूरतें? राहेल, यहोवा है ना, यकीन रखो वो हर हाल में हमारी जरूरतें पूरी करेगा। आओ बाकी सामान बांध ले। क्यों? मुझे बस इतना बताओ, वे शहर छोड़कर क्यों जाएंगे? रणनीति देखे तो कोई तुक नहीं बनता, पर वे जा रहे हैं। सदर, खबर बिल्कुल पक्की है, रोमी सेना लौट रही है, 12वीं पलटन समुद्र की तरफ भाग रही है।
ईश्वर ने ही अंधा किया है। ये पागलपन है, वो भी ईश्वर की तरफ से। ये छुटकारा है। परमेश्वर ने अपने पवित्र मंदिर को बचाया है दुश्मनों के हाथों से। अब परमेश्वर की तलवार उन पर बहुत भारी पड़ेगी। उनका पीछा करो, उन्हें मार डालो, जैसे परमेश्वर ने मिस्रियों को लाल समुंदर में मारा था। मार डालो उन दरिंदों को। बस लेजर, बस शांत हो जाओ, वो चले गए। नहीं, उन्हें छोड़ना मत, वे कभी परमेश्वर के लोगों पर नजर ना उठा सके। जाओ। रुको जरा, मैं आया। गिदोन, ये शराब बहुत पड़ी हुई है और आज शाम जश्न है, सारी निकाल देना। नेहम, ये क्या, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? शबोल, चिंता मत करो, हम निकलने ही वाले हैं। तुम चलो, हम आते हैं। हमारे भागने का यही एक मौका है। मैं भी जानता हूँ, यीशु की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, पर सब बहुत जल्दी हो रहा है। मैं दुकान यूं छोड़कर नहीं जा सकता। और हाँ, ये दुकान तुम्हारी भी है। नेहम, होश में आओ, समझने की कोशिश करो, यरूशलम का नाश होने वाला है। मैं तो होश में हूँ, जरा पीछे देखो, तैयारियां हो रही हैं। मेरी फिक्र करना छोड़ो, मुझे वापस लौटने में मुश्किल से एक या दो हफ्ते लगेंगे। जल्दी करो, ध्यान रहे, सारे खरीदारों को शराब वक्त पर पहुंच जाने चाहिए। अगर कोई दिक्कत या सवाल हो, वो दुकान खोले बैठा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दोनों पीछे से दक्षिण की तरफ जाओ, बाकी हम सब लोग फाटक से उत्तर की तरफ जाएंगे और जहां बड़ी टोली है उनसे मिलेंगे। चलो। दादू, दादू। ज़ेफ। बस इतना सा सामान? हाँ बेटे, सबसे कीमती यही है। कोई और आने वाला है? खैर, फिलहाल तो हम चारों ही चलेंगे, बाकी सब रास्ते में मिलेंगे। तो हम चलें? साथ चलना। रास्ता छोड़ो, फाटक खोलो। बरिया, बरिया। रॉयल। ओ ज़ेफ। मामा, अब हमारे साथ आ रहे हो? अच्छा हुआ बरिया, तुम मिल गए। रॉयल, तुमने खबर सुनी? हाँ सुना है, रोमी फौज वापस जा रही है। हम उनका पीछा कर रहे हैं, उन्हें कीमत चुकानी होगी। उतरो। बरिया, हमें भी तुम्हें कुछ बताना है, हम जा रहे हैं। जा रहे हो, पर क्यों, कहाँ जा रहे हो? बरिया, तुम तो जानते हो, यीशु ने कहा था जब तुम शहर को दुश्मनों से घिरा हुआ देखो तो तुम जान लेना कि जल्द ही महासंकट आने वाला है। रोमी पीठ दिखा के जा रहे हैं, खतरा टल चुका है, ये छुटकारे का दिन है। बरिया, आज यहोवा ने यरूशलेम को छुटकारा नहीं दिलाया, बल्कि अपने लोगों को। अपने लोगों को, मसीहों को। मेरे बारे में क्या राहिल, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं मंदिर में प्रार्थना करता हूं, सब मनाता हूं, परमेश्वर की नजर में मैं कुछ भी नहीं। बरिया, बस करो, मेरी बहन की जान लोगे? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, हमारे साथ चलो, तुम्हारी जान बच जाएगी। पर तुम लोग जाओगे कहां? हम पहला जा रहे हैं उत्तर की तरफ। क्या तुम पागल हो गए हो? वो गैर यहूदी शहर है, वैसे भी सफर करना खतरनाक है।
तुम यहाँ महफूज हो? हमारे साथ पहला मैं तुम किसे जानती हो? वहाँ दोस्त हैं। सर्दियाँ पास आ रही है, कैसे रहोगी? यहोवा हमें संभालेगा। तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब यहीं पर है। ऐसी बेवकूफी मत करो। परिया, अब चलो भी। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं, मत जाओ। ये लो मेरी अमानत। ये तो पिताजी की है। लौट कर लूंगा तुमसे। रखो इसे अपने पास, रखो इसे, मत जाओ छोड़कर। ना हम, मैं कुछ भूल गई। हम वापस नहीं जाने वाले। तुम रुको, मैं लाती हूँ। नहीं, मैंने कह दिया ना, अगर हमने देर की तो फंस जाएंगे। ना हम, अगर अंत अभी नहीं आया तो? तुम्हारा मतलब है यीशु गलत था? तो क्या ये सब हम ऐसे ही छोड़कर चले जाएं? अभी तल मैंने ताला लगा दिया है, चाबी मेरे पास है। दिखाओ दिखाओ, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। हो गई तुम्हें तसल्ली? विश्वास नहीं हो रहा, तुमने दुकान गिदौन को सौंप दी। वो तो हमारा भाई भी नहीं। और किसे देता, सारे भाई चले गए हैं। मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं। वो सालों से हमारे साथ है, सब काम जानता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नेहम हूँ, शराब का व्यापारी। मैं और मेरी पत्नी अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। उनसे मिलने जा रहे हो या उनका घर बसाने, ये सब क्या है? जनाब क्या करें, आप तो जानते हो इन औरतों। झूठ झूठ बोल रहा है तू। तू तो मुझे रोमी हिमायती लगता है। नहीं, ये सच नहीं। धोखेबाज, मैं परमेश्वर का बंदा हूँ, मेहरबानी करके जाने दीजिए। यहाँ आदमी वैसे ही कम है और तुम भागना चाहते हो? रुको, मुझे लगता है ये मसीह है, धर्म त्यागी। ये नहीं लड़ने वाले, अभी ठिकाने लगाता हूँ इसे। हमें जाने दीजिए। अच्छा ये लीजिए अंगूरी शराब, यरूशलेम की सबसे बढ़िया शराब। घुस देता है नालायक। हुजूर, जाने दो इन्हें, मसीह हमारे किसी काम के नहीं। शुक्रिया 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 जनाब। गधा ले लो। क्या? नहीं हुजूर। मगर हुजूर, गधा नहीं मिलेगा, और अगर तुम लौट कर आए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा मसीहा भी नहीं। ध्यान रखना, दफा हो जाओ।
मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। देखिए कहाँ हैं हम, इस वीराने में, और वो भी एकदम निहत्थे। शबुएल, यहोवा पर भरोसा रखो, उसे हमारी परवाह है, आगे वही राह दिखाएगा। काश मुझ में इतना विश्वास होता। तुम में विश्वास है? यरूशलम छोड़कर यह साबित किया है तुमने? कभी सोचा नहीं ये सब मेरे जीते जी होगा। पर तुमने ये सोच खुद पर हावी नहीं होने दी, तुमने सही कदम उठाया। भाई, हम कब तक नहम और अबीतल का इंतजार करेंगे? वो रास्ते में होंगे, अगर कल सुबह तक नहीं आए तो हम जाकर देखेंगे। पता नहीं क्यों उन्हें इतनी देर लग रही है, सामान ढोने के लिए उनके पास गधा भी था। मुझे नहीं लगता ये अकलमंदी थी। यीशु ने कहा था जो छत पर हो वो सामान ले जाने के लिए नीचे न उतरे। भाई एतान, अब थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं पहरा देता हूं। ठीक है शबुएल। कोई आ रहा है। कितनी ठंड है। सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। जरा रुको। शबुएल, शबुएल के तुम हो? नहम, नहम, ओ मेरे भाई, तुम आ गए। कहाँ रह गए थे तुम लोग? शहर के फाटक पर, उन कट्टरपंथियों ने, हम कुछ नहीं कर पाए। पड़े उन्हें, उन जालिमों ने हमें लूट लिया। ओ अबीतल, सुनकर दुख लगा, सच बहुत बुरा हुआ। वाकई बुरा हुआ। हमें सोचने के लिए जरा भी वक्त नहीं दिया गया। देखो हमारा हाल। नहम, जो भी हुआ उसका मुझे दुख है, मगर हम सब ने कुछ न कुछ छोड़ा है। यीशु ने कहा था शहर से भाग जाना और हमने वैसा ही किया। वो सब ठीक है, मगर हमने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की, हमें थोड़ा रुकना था। देखो रात हो चुकी है, कल दिन भर सफर भी करना है, आओ थोड़ा आराम कर ले। हमारे पास न पानी है, ना ही कुछ खाना, नरिंदों ने सब छीन ली। तुम थक गए होगे। शबुएल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी? जरा सोचो, हमारे भागने के बाद यरूशलेम का नाश होना था, है ना? हाँ। यीशु ने कहा था नाश सदोम की तरह होगा। सदोम पर अचानक आग बरसी थी और उसी दिन उसका नाश हुआ, है ना? हाँ ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो? रोमी यरूशलेम छोड़कर चले गए। अगर वो छोड़कर चले गए हैं तो नाश कैसे होगा? लेकिन अगर ये सच नहीं तो ये उनकी कोई चाल है। वो यहूदी लड़ाकुओं को शहर से बाहर निकालकर दबोचना चाहते हैं, नहीं तो वो क्यों छोड़कर जाते? वो घात लगाए बैठे हैं, मौके की तलाश में हैं। शायद तभी यीशु ने हमें फौरन भागने के लिए कहा था। भाई एतान, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से हमने वही किया जो यीशु ने कहा था। क्या ये काफी नहीं है नहम? नहम की कश्मकश में समझ रहा था।
पर ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही थी। फिर हमें खबर मिली, यहूदियों ने रोमी सेना को पिथोरोन में हरा दिया है। इससे हमारे मन में और भी सवाल खड़े हुए। पर हम अपने फैसले पर डटे रहे। इसके बाद हमने पेल्ला में एक नई जिंदगी शुरू की। पेल्ला में आप सभी का स्वागत है भाइयों। कैसा था आपका सफर? काफी लंबा सफर था। शुक्र है हम पहुंच गए। आप लोग बहुत थक गए होंगे। अरे ये तो कटता ही नहीं। यरूशलम के मुकाबले पेल्ला में जिंदगी सादी थी, पर हमें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी। आ! अच्छा हुआ यहाँ हम सभी को कुछ तब्दीलियां करनी पड़ी। चलो नहम, खुदाई करो। तुम्हारा बगीचा है, चलो तुम ही संभालो इसको। इन सारी चुनौतियों से हमारे विश्वास की कड़ी परीक्षा हुई। इतना सा? बस यही बचा था ना। दिन भर यहाँ तपती धूप में काम करना है, इससे तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। तुम ही बताओ कहाँ से लाऊं खाना। अभीतल रुको, अभीतल मैं समझता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बेटे में सचमुच कमाल का हुनर है। क्या तुम्हें यहाँ कोई मिला जो बांसुरी सिखाए? नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पर इसका हुनर नहीं बढ़ने वाला। वैसे बढ़िया से बढ़िया गुरु तो यरूशलेम में है। ये देखो, ये तुम्हारा सबसे कीमती जोड़ा है नहम। इन कौड़ियों से नया जोड़ा तो दूर, कल का खाना भी नहीं मिलेगा। अब और क्या करूं? हमारे पास पैसे नहीं, खाना नहीं। मैं तंग आ चुकी हूँ इस जगह से, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। इन गैर यहूदियों के बीच मेरा दम घुटता है और यहाँ के भाइयों पर मुझे भरोसा नहीं। यकीन करो मैं समझता हूँ। ना हम आखिर कब जाएंगे हम अपने घर? यहाँ दो कौड़ी कमाने के लिए भी खून पसीना बहाना पड़ता है। कहाँ यरूशलेम में मैं पैसों में खेलता था। उस गिदौन ने हमारा सब कुछ लूट लिया होगा, सोचता होगा हम कभी नहीं लौटेंगे।
शुरू करते हैं। भाइयों, उत्तर के एक भाई ने हमारी मंडली के लिए सारा अनाज भेजा है। हमने हर परिवार के हिसाब से इसे बराबर बराबर बांट दिया है। भाइयों, यहोवा ने फिर जरूरत की इस घड़ी में हमें संभाला है। इसके लिए शुक्रिया भाई अतान, मगर ये अनाज तो कुछ ही दिन चलेगा, उसके बाद क्या? क्या तुम्हें यहोवा पर विश्वास नहीं? उसने अब तक हमें संभाला है, आगे भी संभालेगा। सुना है यरूशलेम में अनाज भरा पड़ा है। तुम्हारा मन अभी भी वहीं लगा है? यरूशलेम मेरा घर है, वहां मैं पैदा हुआ हूं, और एक दिन मैं जरूर वापस जाऊंगा। यरूशलेम छोड़ने का गम मुझे भी है, मगर अब यही हमारा घर है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी यरूशलेम वापस लौटेंगे। सोचो नहम, यीशु ने यरूशलेम छोड़ने को क्यों कहा था? क्योंकि हमें लगता था उसका नाश होगा। नहम, सुनने में आया है कि 60,000 रोमी सैनिक गलील के शहरों पर धावा बोल रहे हैं। तुम्हें लगता है वो यरूशलेम को बख्श देंगे? शायद नहीं, पर हो सकता है बख्श दें। पूरा एक साल हो चुका है, अगर यरूशलेम का नाश नहीं होगा तो यहाँ रहने का क्या फायदा? हमारे लिए ये बात मायने नहीं रखती कि अंत कब या कैसे आएगा, बल्कि ये बात मायने रखती है कि हम यीशु के आगे आपके लिए ये कहना आसान है भाई एतान। आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, हमारे बारे में क्या? जिनकी बीवी है, बच्चे हैं, यरूशलेम में अपना कारोबार है। हम सब ने कुर्बानियां दी हैं। अब्राहम और सारा को लो, वे एक रईस शहर छोड़कर तंबू में रहने लगे, वे कभी वापस ऊर नहीं गए। यहोवा ने उन्हें बरकत दी और हमें भी दे रहा है। क्या इसे आप बरकत कहते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हें सामने रखी बरकतें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि तुम्हारी नजरें यरूशलेम पर टिकी है। यरूशलेम के बारे में कही यीशु की हर बात एकदम सच है और वक्त पर पूरी होगी। तब तक हमें प्रचार काम में लगे रहना है। प्रचार? लोग हमें पागल समझते हैं, ऐसे विनाश का ऐलान कर रहे हैं जो आया ही नहीं। और तो और, हम घर बार भी छोड़ आए हैं। लोग यीशु को भी पागल समझते थे, मगर याद रखो, ऐसा कोई नहीं जिसने खुशखबरी की खातिर कुछ छोड़ा हो और उसे आज 100 गुना न मिले और आगे हमेशा की जिंदगी। पता नहीं कब तक ये सब चलता रहेगा। ये तनाव भरा वक्त है, पर ऐसे में तुम क्या फैसला लोगे? नहम, यहोवा पर विश्वास तुम्हें हर फैसला लेने में मदद करेगा। शायद मुझे और विश्वास चाहिए। इसके बाद भी
क्या नेहम को लग रहा था यरूशलम छोड़ने का फैसला गलत था। इसकी तो बढ़िया शराब बनेगी। मेरी मान भाई एतान के सुनकर हम फंस गए। गिदोन वहाँ तिजोरियाँ भर रहा होगा और हम यहाँ। जैसे जैसे समय गुजरता गया नेहम के मन में रह रहकर एक ही सवाल उठता रहा। तो फिर बताओ मुझे अंत अभी तक क्यों नहीं आया? नेहम तुम कब तक यही सवाल करते रहोगे? वो हर दिन दलील। मैं खुद उन सवालों के जवाब नहीं जानता था, पर मैं इतना जरूर जानता था अगर हम यहोवा के दिए काम में लगे रहें, उस पर भरोसा रखें और धीरज धरें, तो एक ना एक दिन हमें जवाब जरूर मिलेंगे। कितना जरूरी है कि हम संतोष से जिएं। नेहम को लग रहा था यरूशलम में जिंदगी पहले की तरह चल रही होगी, मगर हकीकत कुछ और ही थी। हमारे यरूशलम छोड़ने के बाद कट्टरपंथियों ने पूरे शहर में मार काट मचा दी। अलग अलग गुटों में आपसी लड़ाई छिड़ गई। लड़ने में तो ईश्वर मुझसे भी माहिर निकला। दुश्मन आपस में ही लड़ मर रहे। इस बीच रोम में खलबली मच गई। फौजी अफसरों ने बागडोर अपने हाथ में ले ली। सेनेट ने सम्राट नीरो के नाम मौत का फरमान जारी किया। मजबूर होकर नीरो ने खुदकुशी कर ली। दहशत और अफरा तफरी के उस माहौल में विश्वास से चलना हमारे लिए जितना जरूरी था उतना ही मुश्किल भी। शेबुअल, राहिल, नेहम, शेबुअल, पता है क्या हमने सोच लिया है? अच्छा, किस बारे में? हम वापस लौट रहे हैं। नेहम, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। पिछले 1.5 साल से रोम में अफरा तफरी मची हुई है, खासकर नीरो के मरने के बाद। उससे हमारा क्या लेना देना? रोमी सेना वापस नहीं आई। अब भी नहीं समझे? यहोवा ने एक बार फिर अपने पवित्र शहर को बचाया है। यही वक्त है शेबुअल। किस चीज का? वापस जाने का। ये तुम क्या कह रहे हो? 4 साल से हम लोग यहाँ गुलामी कर रहे हैं। बताओ क्या मिला हमें? हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी असल में यरूशलम में है। मैं अपना परिवार ऐसे नहीं चला सकता इस वीराने में। गुजारा हो रहा है ना? कब तक यूं ही गुजारा चलाते रहेंगे शेबुअल? इस घटिया जगह पर रुकने की कोई जरूरत नहीं। हमें फौरन लौटना चाहिए। राहिल और मैं इस बारे में बात कर चुके हैं। हम नहीं जा रहे हैं। अब हटो, मेरे पौधे मत खराब करो। ये तुम नहीं बोल रहे हो। कब तक एतान की सुनकर फैसला लोगे? और जो यीशु ने कहा उसका क्या? हमने वही किया जो यीशु ने कहा था। हम भाग आए, पर उसने लौटने के लिए मना नहीं किया। वैसे यरूशलम का क्या हुआ? कुछ नहीं, पर होगा। क्या यहोवा परमेश्वर यरूशलम पर दया नहीं दिखा सकता, जहां उसका मंदिर है, उसके लोग हैं? उसने नीनवे शहर को बख्श दिया था उन विधर्मियों को। वो लोग पश्चातापी थे, लेकिन यहूदी परमेश्वर की मंजूरी खो चुके हैं। लेकिन यहोवा ने यरूशलम की हिफाजत की है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। पहले सेस्टिस गैलस को हराकर,
और अब रोम में राजनीतिक खलबली मचाकर रोमी यरूशलम को भूल चुके हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यहोवा यरूशलम की हिफाजत कर रहा है, जबकि यीशु ने कहा था उसका नाश होगा? शेबुअल, चलो मान लेते हैं यहोवा परमेश्वर यरूशलम का नाश करेगा, मगर हमने सोचा था शहर छोड़ते ही नाश हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं, हमारी सोच गलत थी। तो बताओ फिर कब होगा? ना हम उस दिन और उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जान सकता। अच्छा ठीक है, इधर आओ शेबुअल। यहोवा ने कहा था बेबीलोन यरूशलम का नाश करेगा, है ना? हाँ। किन नबियों के जरिए? कई नबियों के, यशाया, यिर्मयाह और यहेजकेल। ठीक कहा मैंने? हाँ ठीक कहा। तो क्या, कितने साल पहले यहोवा ने उस नाश के बारे में बताया था? मुझे नहीं पता, शायद सैकड़ों साल पहले। कहना क्या चाहते हो? सैकड़ों साल पहले शेबुअल, यही तो बात है। शेबुअल, यहोवा धीरज धरता है, अगर वो उस समय इतने साल रुका तो आज जल्दबाजी क्यों करेगा? पता नहीं नहम, पर तुमने यरूशलम के बारे में तो सुना ही होगा। वहाँ खलबली मची हुई है, हर तरफ दहशत फैली हुई है, लूट मार है, कहानियां हैं। किसे पता इन खबरों में कितनी सच्चाई है? मुसीबतें किस शहर में नहीं होती, यरूशलेम की अपनी मुसीबतें हैं। हजारों यहूदी परिवार साल में 3 बार त्योहार मनाने यरूशलेम जाते हैं, वो जाते हैं और लौट आते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। तो हम क्यों नहीं जाते, बस कुछ दिनों के लिए? नहम, मेरे दोस्त, हमने इस बारे में काफी सोचा है, प्रार्थना की है, 100 बात की 1 बात है, यीशु ने जो हुक्म दिया था हम उसे मानेंगे या नहीं। यीशु ने यरूशलम छोड़ने के लिए कहा था, वापस जाने के लिए नहीं, 1 दिन के लिए भी नहीं। हमें आज्ञा माननी होगी। पर हम तो जा रहे हैं। मेरे दोस्त राहेल, बरिया के बारे में सोचो। हमारे साथ चलो, तुम उससे मिल पाओगी। और तुम्हारा ज़िफ, उसके भविष्य का क्या होगा? बचपन से आज तक हम दोस्त रहे हैं, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और कभी कोई बात नहीं छिपाई, पर आज तुम गलत हो। तुम ये कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर यरूशलम जाकर मैं बेवजह अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। जान इतनी ही प्यारी थी तो कहा था तुम्हारा दिमाग जब इधर आए। तुम यरूशलम को लेकर इतने अंधे हो चुके हो कि सामने रखी आशीषें तुम्हें नजर ही नहीं आ रही। हम जा रहे हैं आज ही। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत जाओ। नहम, क्या रखा है वहां? मेरा सब कुछ। लाओ मुझे दो। जी आप ही खोलिए। मेरी प्यारी बहन, माफ करना, मैं तुम्हारी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे सका। यरूशलेम की हालत बहुत ही दर्दनाक है। शुक्र है तुम यहां नहीं हो, वरना यरूशलेम की हालत तुमसे देखी नहीं जाती। यरूशलेम ऐसा भूखा जानवर बन गया है
जो मानो अपना ही मांस नोच कर खा रहा हो। भूखे तीन गुट पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस रंजिश में याजकों और लेवियों की बलि चढ़ाई जा रही है। मानो वेदी पर जानवरों का नहीं उनका खून छिड़का जा रहा हो। शहर में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। राजनीतिक गुटों ने जलन के मारे अनाज से भरे गोदाम के गोदाम चला दिए। हजारों लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। देहातों से खबर मिली है, रोमी सेना शहरों और गांवों को लूटती हुई, भस्म करती हुई और लोगों को मौत देती हुई यरूशलेम की तरफ बढ़ रही है। और अब वो बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। तुमने शहर छोड़कर बिल्कुल ठीक किया और समझदारी इसी में होगी। अगर तुम्हारे कदम यरूशलेम की तरफ इतनी जल्द वापस ना मुड़े। शायद तुम और शबुल सही थे, एकदम सही। सबको मेरा प्यार। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे खुशी भी होती है और दुख भी। खुशी इस बात की कि हमने सही फैसला किया और ये सोचकर दुख भी होता है कि ऐशो आराम की चीजें पाने की चाहत एक इंसान को किस कदर मुसीबत में डाल सकती है। मुझे यकीन हो चला है एक सच्चा मसीही बनने के लिए मजबूत विश्वास होना जरूरी है। ऐसा विश्वास जो एक इंसान को सकरे और तंग रास्ते पर चलने में मदद करे, तब भी जब रास्ता साफ साफ दिखाई ना दे।
ऐसा विश्वास जो इंसानी बुद्धि से कहीं बढ़कर हो और जो अपने फैसले पर बने रहने में मदद दे सके। शबुएल, शबुएल हम तैयार हैं। यहाँ पेल्ला में सहूलियत की वो हर चीज नहीं है जो यरूशलम में हमारे पास थी। साथ ही जिंदगी बसर करना मुश्किल है, मगर जरूरी बात यह है कि मैं और मेरा परिवार यहोवा का वफादार बना रहा और हम यरूशलम के आखिरी दिनों से बच निकले। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, मगर हमने ठान लिया है चाहे जो हो जाए हम विश्वास से चलते रहेंगे।